केजरीवाल जी पुराने कलाकार हैं, इनफैक्ट ये जो कलाकार शब्द है ना उनके लिए जरा ज्यादा सॉफ्ट है। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उन्होंने क्या किया, भाग गए, डॉक्टर भी नहीं थे, कंपाउंडर थे। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। आप तो अभी 50 दिन रह के 20 दिन में के बाद वापस जाने वाले हैं, तो आपकी पार्टी में क्या होगा, भाभी जी को लाएंगे आप? केजरीवाल जी पुराने कलाकार हैं, इनफैक्ट ये जो कलाकार शब्द है ना उनके लिए जरा ज्यादा सॉफ्ट है। एक तरीके से देखा जाए केजरीवाल जी बहुत बड़े फ्रॉड है। अभी ये बेल पे बाहर आए हैं, अभी इन पे केस चल रहा है, और मैं तो समझता हूं कि अगले 48 घंटे में जब वो दिल्ली की जनता के बीच में घूमेंगे तो जनता इनसे पूछेगी कि भाई साहब, वो जो आपने शराब घोटाला किया था और आपने शराब घोटाला के दौरान गुरुद्वारे के बाहर, स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर आपने ये जो शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे, उसको वो याद है आपको? आपको याद है आपने दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं बनाया, हमारे स्कूलों की क्या हालत थी? और जब महामारी का सामना करना पड़ा, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उन्होंने क्या किया, भाग गए, डॉक्टर भी नहीं थे, कंपाउंडर थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जी के बाद ये अगर इनके बस रहती तो ये दिल्ली की मेट्रो को खत्म कर देते। वो तो न्यायालय ने बोला तो इन्होंने जाके अपना जो शेयर होता पैसे का दिया। इनकी कहां कहां हम गिनतियां करवाएं? इन्होंने पिछले जो इनका समय है दिल्ली में, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। अगर केंद्रीय सरकार नहीं होती और हम अर्बन डेवलपमेंट फंड से पैसा लगा के मेट्रो को चला के, इस समय मेट्रो की राइडरशिप है 70 लाख प्रतिदिन, ये तो इसको बंद करवा रहे थे 2017-18 में, कह रहे थे इसको बिल्कुल मुफ्त कर दो। अभी भी ये 24 घंटे की मुफ्त बिजली देश भर में देना चाह रहे हैं। आप देखिए जहां पे 300 यूनिट मुफ्त देते हैं वहां पे क्या स्थिति है, वो स्टेट्स का क्या हाल है? मोदी जी की आप देखिए योजना, उसमें सबसे बड़ी बात है हमारी तरफ से, सेंटर की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगी, उस सब्सिडी लेके आप अपने आवास के छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगाइए, उस सोलर पैनल से जो बिजली मिलेगी वो 300 यूनिट आप यूज कीजिए और अपनी बिजली, घर का खर्चा जो है बिजली का, वो उससे लीजिए, और जो अधिक बिजली होगी उसको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं या आप उसको ग्रिड में दे सकते हैं, उसका भी पैसा बनेगा। तो केजरीवाल जी जो है अभी मुझे लगता है बाकियों की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उस पार्टी में ये होगा। अपना बताइए, आप तो अभी 50 दिन रह के 20 दिन में के बाद वापस जाने वाले हैं, तो आपकी पार्टी में क्या होगा, भाभी जी को लाएंगे आप? भाभी जी के नेतृत्व की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो किसी चीज से जिम्मेवार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।